कुछ गधे भी आ जाते हैं बीच बीच में, आउट ऑफ एनसीईआरटी रट लगाना चालू कर देते हैं। एक आध गधे होते हैं, कोई नहीं, ठीक है, वो रैंकर वाली सीरीज में नहीं है, कोई नहीं, आप सिलेक्शन ले लो तो नहीं बोलते आपके लिए, ठीक है, आपके लिए नहीं है। जो लग रहा है जिसको आउट ऑफ एनसीईआरटी वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उतना ही पढ़े जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, सिलेक्शन लेना यही बहुत है उनके लिए, ठीक है, वो रैंकर नहीं है, ठीक है। जूलॉजी को हमने कोशिश किया बिल्कुल हलवा बनाने का, ठीक है, पूरा डायग्राम, फ्लो डायग्राम इस तरीके से उसको साइंटिफिकली अरेंज किया है कि हर चीज का कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट हो जाए, ओके, मतलब आपके समझो कि आपके नीट के एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, बस आप साथ रहना है आपको, ठीक है, आप साथ हो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की बात है, आप साथ दोगे हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे नीट के एग्जाम में, और पूरी कोशिश करेंगे, नीट तो छोड़ो आपको मेडिकल कॉलेज तक लेके जाएंगे। जितना हम कराते जा रहे हैं उतना करते जाओ, और AITS का जो एग्जाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 11th का रिविजन करते जाओ, ठीक है, 11th का रिविजन, कोई नई चीज नहीं पढ़नी अभी, किसी नए सोर्स को यूज नहीं करना, जो आपने पढ़ा था उसी सोर्स को यूज करोगे आगे पढ़ने के लिए। सारी किताबों के अंदर क्वेश्चनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपको, हम आपको भरपूर डीपीपी भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट भी दे रहे हैं, सफिशियंट है, और बुक्स भी आपके पास अवेलेबल है, मॉड्यूल भी आपके पास अवेलेबल है, सफिशियंट है, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, इतने से काम बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस समय पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना, क्योंकि जहां आप नेगेटिव होते हो तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, सारा खेल यहां से है। मैंने कहा ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, अगर आप यहां से हार गए तो हार गए, हॉपलेस हो गए कि आप कुछ नहीं हो पाएगा, तो वाकई में कुछ नहीं हो पाएगा, भगवान भी आ जाए कुछ नहीं हो पाएगा, पर हां, और आपने समझ लिया कि यार अभी भी काफी टाइम है, अभी भी मैं करंट के संग पुराने को रिविजन करता हुआ चलूंगा, तो मेरे पास सफिशियंट टाइम है नीट को फोड़ने का, जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम जो 18 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके पास भी उतना ही टाइम है, बस अंतर इतना है जो लास्ट टाइम पर धैर्य रख लेता है, जो लास्ट टाइम पर अपने ऊपर बिलीफ रखता है, जो लास्ट टाइम पर, समझ रहे हो, अपने पेशेंस को नहीं खोता, वो विजेता बनता है, ठीक है। तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने पेशेंस को खो देना है, अपने बिलीफ को खो देना है, ठीक है, या उसको मेंटेन करते हुए टारगेट अचीव करना है, समझे। मैंने कभी नहीं कहा कि खरगोश की तरह दौड़ो फिर रुक जाओ, फिर दौड़ो फिर रुक जाओ, मतलब बैकलॉग, ठीक है, मैंने एक ही बात की है, बैकलॉग मत आने दो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, धीरे धीरे टीचर के साथ चलते चलो, अपने आप सब चीजें कवर हो जाएंगी। नीट का एग्जाम कोई फाड़ू एग्जाम नहीं है, सिंपल एग्जाम है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ओके, बाय बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।